भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज मैं जा रहा हूं भाई राजस्थान सिक्कर जिले में खाटू श्याम जी के दरबार में। भाई काफ़ी टाइम हो गया हम नहीं गए। अभी जो है खाटू श्याम मंदिर को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई खाटू श्याम जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। स्पेशली मैं जा रहा हूँ मेरी दोस्त की ड्रीम पूरा करने। भाई ड्रीम है ना तेरा? पक्का भाई पक्का। भाई इसका मन था जाने का, ये पहली बार जा रहा है, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, तो आज दोस्त का ड्रीम पूरा करेंगे भाई। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, अभी रेवाड़ी हम पहुँच चुके हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म में जाते हैं और ट्रेन पकड़ के चलते हैं हम रिंगस से, फिर बस पकड़ के जाएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर पे। तो वीडियो में जरूर रहना एंड तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भाई कर देना। चलो चलते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं टिकट काउंटर में टिकट काटने के लिए, तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे हम टिकट बनवाएंगे, तो यहाँ पे टिकट कटवाते हैं उसके बाद चलते हैं हम प्लेटफॉर्म। तो गाइस भाई फाइनली हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और हमारी ट्रेन भाई यहाँ पे लग रही है, और ये जो ट्रेन है 9:10 में निकलेगा यहाँ से। तो ये रहा हमारी ट्रेन, चलो चलते हैं अंदर। तो ये रहा ट्रेन भाई, बिल्कुल खाली है। तो आज बिल्कुल खाली है, देखो पूरा डिब्बा खाली है, लेकिन आगे जो है बहुत भीड़ हो जाएगी इसमें। ये साइड का जो सीट है दोनों, तो हम ये दोनों में बैठेंगे। तो सोकेश भाई अगर आप लोग खाटू श्याम जी जाना चाहते हो एक दिन के लिए, एक दिन का ट्रिप बनाना चाहते हो ना कि सुबह जाएंगे और शाम को वापसी आ जाएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि भाई अभी हम जा रहे हैं सुबह 9 ट्रेन में और वहाँ पर दर्शन करने के बाद शाम को जो 8:30 एक ट्रेन है, उस ट्रेन से हम वापसी आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी जाना है एक दिन के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह जाओगे शाम को कैसे आ सकते हो, कंप्लीट जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहना वीडियो के। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भाई जरूर कर देना। तो चलो भाई श्याम जी के दरबार में चलते हैं। सो गाइस भाई अभी टाइम हो रहा है 9:10 और हमारी जो ट्रेन है रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से भाई ऑन टाइम बिल्कुल निकल चुका है। तो ये देख सकते हो आप, रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से हम निकल रहे हैं अभी। तो गाइस भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन में। भाई ये देखो रिंगस में भाई हम चले थे ट्रेन में 9:10 पे और यहाँ पे पहुँचे हम 12:30। तो ये रहा रिंगस रेलवे स्टेशन और यहाँ देखो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, सारे लोग जो है यहीं पे उतर गया। अब चलते हैं हम बाहर जाके हम गाड़ी लेंगे और गाड़ी से चलेंगे भाई खाटू श्याम जी के दरबार में। तो गाइस भाई रेलवे स्टेशन से बाहर हम लोग आ चुके हैं और अब यहाँ हम ढूंढ रहे हैं गाड़ी, और यहाँ से सामने से मिलेगा कैब वगैरह, वहाँ से चलेंगे हम खाटू श्याम जी के दरबार में। और देखो भीड़ गली में भाई, सारे ट्रेन में आया, बहुत ही ज़्यादा भीड़, देखो कितना भीड़ है, गली भर गया पूरा। तो गाइस यहाँ बहुत सारा गाड़ी आपको मिल जाएगा, आप जो है मोल भाव करके जाना, नहीं तो भाई आपको ज़्यादा किराया भी बता सकता है, लेकिन आप पहले मोल भाव कर लेना। ज़्यादातर यहाँ से 50 रुपीज़ लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो गाइस भाई फाइनली हम बैठ चुके हैं कैब में, तो ये रहा कुछ कैब। तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का सफ़र होने वाला है ये यहाँ से खाटू श्याम जी के मंदिर तक। तो चलते हैं, रास्ते का जो बढ़िया बढ़िया नज़ारा है मैं आप लोगों को वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के गेट के पास, यहाँ देख सकते हो मेन मुख्य द्वार है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अभी। तो गाड़ी से उतरते ही हमको गाड़ी जो है यहीं पे उतारा, और फाइनली मैं अपनी दोस्त को भाई ले ही आया खाटू श्याम। भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना भाई। देखो अच्छा। इसका ड्रीम पूरा हो गया भाई, गेट के सामने देखो खड़े हैं हम, सामने ये गेट है। तो अभी जो है हम जाएंगे भाई अंदर और आपको दर्शन करके दिखाएंगे। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये देखो आप गेट, तो ये रहा गेट पीछे, और अभी हम जा रहे हैं भाई मंदिर में, और मंदिर में जाएंगे और आप लोगों को लाइव दर्शन करके दिखाएंगे। भाई पहले जो था अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत ही सारा। अभी इस टाइम अगर आप आओगे कितना भीड़ है आज, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो चलो चलते हैं सामने, ये देखो ये।
तो सो गाइस भाई हम आ चुके हैं मंदिर के पास। तो यहाँ जो है ना भीड़ भाई दुगना क्या तीन गुना भीड़ बढ़ गया है, तो ये देख सकते हैं। और सामने ही है मंदिर, अभी यहाँ से हम जाएंगे और दर्शन करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे भाई। अगर अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो आपको दिखा पाएंगे, अगर अलाउड नहीं हुआ तो फिर भाई इसके लिए हम पहले आपको सॉरी बता रहे हैं, नहीं दिखा सकते हैं, तो तब भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो भीड़ भाई, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं प्रसाद भाई। प्रसाद ये कितने का है भैया? ये 100 रुपये का, 50 रुपये का। ये 100 रुपये का, ये 50 रुपये का। और गुलाब का फूल कितने का है? गुलाब का फूल 10 रुपये का। 10 रुपये का भाई, बहुत ही सस्ता गुलाब का फूल मिल रहा है भाई। मार्केट में तो 30-30 का मिलता है, यहाँ 10 रुपये का मिल रहा है भैया के पास। तो सो गाइस भाई हम प्रसाद ले लिया और जूता चप्पल रख दिया, और अभी जो है यहाँ से लगना है लाइन। तो देखो यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट है और यहीं से भाई लाइन चालू होता है अंदर तक। तो यहाँ से लाइन में लगेंगे और अंदर चलेंगे। भाई देखो कितना सारा लाइन हो गया भाई, कितना डेवलप हो गया यहाँ पे। और अगर फूल वगैरह लेके आते हैं ना गुलाब वगैरह, तो जो गेट में जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है वहीं पे वो जमा करते हैं भाई, अंदर ले जाने नहीं देते फूल वगैरह। तो आप प्रसाद वगैरह लेके जा सकते हो। तो ये देखो भाई बिल्कुल यहाँ का जो सीन है बिल्कुल चेंज हो गया, पहले जो था अभी बिल्कुल चेंज हो चुका है। दोस्तों गाइस भाई जैसे कि आप लोगों ने देखे, जो पिछली बार हम आए थे बिल्कुल आप पास से दर्शन कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है भाई काफ़ी दूर से लोग दर्शन करते हैं, बहुत ही दूर दूर से। तो ये देखो भाई ये सामने है, तो हम लास्ट वाली लाइन पे थे बिल्कुल, और इधर से हम अभी बाहर निकल रहे हैं। तो गाइस भाई हम दर्शन करके आ चुका है बिल्कुल बाहर, और यहाँ जो है पूरा मार्केट के जैसे लगता है भाई। यहाँ पे बच्चों के देखो खेलना वगैरह, खाटू श्याम जी की तस्वीर वगैरह मिलता है यहाँ पे, और इतर वगैरह मिलता है। और यहाँ पे भाई काफ़ी भीड़ है, इधर से लोग बाहर निकल रहे हैं और इधर से देखो भाई काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे आपको हर तरह का आइटम मिल जाएगा, इतर वगैरह, हाथ में लगाने का बैंड वगैरह, आप देखो यहाँ पे ये सब मिलता है यहाँ पे। तो गाइस भाई आप लोगों को हम दर्शन करके दिखाए, आप जो है शाम कुंड जो है भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो अभी वहाँ चलेंगे। तो एंट्रेंस में यहाँ देखो पानी रखा है, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर भाई, दिखाएंगे आपको यहाँ कितना पानी है कुंड के अंदर। तो ये रहा इधर है, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो पहले तो आप लोगों को दर्शन करके दिखाएं, आप आपको कुंड दिखाएंगे यहाँ का। तो ये रहा यहाँ, तो सोगज भाई ये है यहाँ का कुंड, यहाँ देख सकते हो लोग नहाते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो भाई ये चारों तरफ का व्यू है, चारों तरफ से लोग देख सकते हैं, और नीचे उतरने का है इस साइड में भाई, उतरने का है और यहाँ पे आप नहा सकते हो। ये तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखाया भाई रेवाड़ी से आप यहाँ कैसे आ सकते हो, और मंदिर में भाई कितना भीड़ है भाई। मैं बताऊँ ज़्यादा तो भीड़ है नहीं अभी के डेट में, तो आप आराम से आओ, आधे घंटे भी नहीं लगेगा दर्शन करके बाहर आ जाओ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और चैनल पर भाई पहली बार है तो चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऐसे नई नई कॉन्टेंट देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।